साफ कर दिल के हुजरे को गुरु तेरे अंदर बसता है, अंदर है, दिल को साफ करा के जाना नहीं है। और रास्ता ये बताते हो, ये बताना चाहती थी वो ये है, पहले स्थान ये सिद्धि का स्थान है। इधर आपने इष्ट का ध्यान करके आप जो कुछ इच्छा करोगे ध्यान एकाग्र हो जाएगा, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपको ब्रह्मचारी संतान उत्पत्ति के लिए पैदा करो बच्चे, बाकी ज़्यादा गृहस्थ को मत भोगो, नहीं तो आपकी शक्ति निकल जाएगी ध्यान करने से, माता खराब हो जाएगा और बावड़ी बातें करने लग जाओगे। ये सब्जेक्ट जो है ना, कम से कम मतलब गृहस्थ को जरूरत के मुताबिक उपयोग किया जाए तो फिर गृहस्थ में रहती हो बात, गृहस्थ छोड़ना नहीं है, गृहस्थ में रहना है, पर सिर्फ जरूरत के लिए संतान उत्पत्ति के लिए कर गृहस्थ भोगोगा। स्वाद करिए फिर, और क्या चीज़ है, मैं एक बार गए विदेश में, मैं बोला ये करना पड़ा, बोले फिर व्हाट इज अदर चार्म, और चार्म क्या है, वो और चार्म है ये, इस खोपड़ी में ध्यान करना, देखते हो अंदर तुम्हारे पूरी दुनिया भरी पड़ी है, ब्रह्मांड का ब्रह्मांड इसके अंदर, पहले कुछ नजर आएंगे यहाँ पर, चलो कुछ ब्रह्मलोक विष्णु लोक शिव लोक बुढ़ा पड़े आपके अंदर तरह तरह का, और ये इधर का देखो, ये तो शायद एक दो मिनट का है गृहस्थ वाला स्वाद, तो दो मिनट का किसी उम्र तक फिर नहीं आएगा, और वो जो है वो आपको हमेशा रहेगा, वो कहता है एयर ग्रीन सदा जुड़े रहना, वो आपके अंदर है, वो सदा सुख वाली बात, तो वो आपके अंदर होगा। तो ये करने से हाँ दा तेरा काम हो जाएगा, दा तेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा उसका विश्वास हो जाएगा, नहीं होगा मगर साफ कहता हूँ उसका विश्वास होता है, मेरे में तो कोई दम नहीं है, मेरे में तो कोई सिद्धि, मैं तो देखता नहीं हूँ, पर वो कहता आपने ये कहा मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मैं साधना कर रहा, मेरी समाधि नहीं लगी, आपकी कृपा से ये हो गया और ये हो गया। मैं कहता हूँ भाई कानू हाथ लगाता हूँ, भैया मैं तो आया नहीं पर तू ठीक है, क्यों, तेरा मन साफ था तो मेरे रूप में बता दिया, अगर तू गुरु नानक देव का विश्वास करता था गुरु नानक देव का भी बताता, न गुरु नानक देव कदर कचरे नहीं, पर तेरे अंदर बैठी हो सकती, और जैसे महात्मा वह भी कोई नहीं जाता है, सिर्फ आपके अंदर हो सकती। सुनिए बात क्या कह रहा हूँ, कोई महात्मा किसी के अंदर नहीं आता है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो जो आपका विश्वास है वो विश्वास काम करता है। जब मैं घीमता दागता मैं कोई चेला नहीं बनाता, फिर मैं मेरा रूप जाता काम करता है, तो कौन, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कहीं नहीं जाता हूँ और काम उनका होता है, उनके अंदर जो बोलने वाली चीज़ है ना, ये मन पर बैठती है और वो रूप बना देती है, मन पर बैठती है और वो रूप बना देती है, और जैसे आप चाहते हो वही बात कह देती है, जिससे दुखी हो उसका रास्ता बता देती है कि कल इधर खतरा होगा आप छोड़ जाना, जैसे निकल जाना दो दिन आपके खतरे के ये करें, वो जिस पहले बताती, कौन बताता है, उसी के अंदर जो बैठी है आपके अंदर वो बोलने वाली चीज़ है मेरे आपके अंदर, वह चीज़ मन पर बैठ के वो बुलाती है, मैं नहीं जाता। अब अगर मैं उसके मुआवजा खा लूँ कोई चीज़ ले जाऊँ, तो अब डॉक्टर साहब आपने मुझे दिया थी, अब मुझे हक नहीं था, मैं सुबह आपसे बात क्यों कर रहा था, मैं रोटी हजम कर रहा था, मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं तो गया नहीं कहीं, कोई सरता नहीं, आप हैं जो इतनी दूर से आए हैं, इतनी बात करी है, सब कुछ किया आपके वजह से, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल करके आपको, और ये सत्संग जो कराना हो कोई कराना चाहता ये बता देना आप यहाँ पर, मौनी को कह देना, मौनी को जानते हैं तो, और जो जितने सज्जन बैठे इनको बता देना, कोई लुधियाने का जानता है तो लुधियाने से एक सज्जन आया बैठे इनको बता देना, कोई सत्संग कराना चाहता आदमी तो उसको इतना करना पड़ेगा कि इतना एक कट्टा एक बंडल दान देना पड़ेगा उसको, 24-25 सेट एक क्या कहते हैं 30 सेट का कट्टा वो बांट देना, एक 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 करके सबको आपका ज्ञान का दान हो जाएगा अगर करना चाहते हो तो। और मेरे को देखो, मेरे ऊपर आपकी कृपा है, आशीर्वाद है, मुझे कोई चाय की जरूरत है, मेरे को जितना चाहता हूँ उससे ज़्यादा है मेरे पास खाने के लिए, कोई कमी नहीं, इकला आदमी हूँ, 40,000 रुपया महीने का मिल जाते हैं, ये डॉक्टर कमला बैठी आप जानते हैं प्रोफेसर से, हाँ जी बोलिए। जी मेरा प्रश्न ये है कि जिस भी गुरु के पास जाते हैं कोई ना कोई नाम देते हैं तो कबीर साहब की वाणी के अंदर आता है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, तो मूल नाम वो बुद्ध है जाने निंदा कोई, बैठ जाओ। अब ये कहते हैं मूल नाम क्या चीज है, नाम की जगह तो नाम क्या है कि नाम कोई भी हो, कॉन्सेंट्रेशन आपकी, आप तो बोलने वाली चीज है ना, जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पर आके बात करते हैं सब, ये इसे सहस्त्राकार कहते हैं, विचार इधर से आते हैं रेडिएट होते रहते हैं, आपका नाम का तरीका चलते हैं, पहले आप इधर आप थोड़ी एक तरफ होइए, हो गया आपका, हो गया एक अलग हो, मैंने बात कर लूँ उनसे, आपका जो बोलने वाले तत्व है ध्यान से सुना भाई, जो बोलने वाला तत्व आपके अंदर है, जो ईश्वर अंश है जिसको सुरत कहा संतों ने, आत्मा से आगे चीज़ अलग है, ये जो सुरत है सब पूरे शरीर का बायोलॉजी वो चलाती है, और इधर एडी से चोटी तक वह है, और जिस जगह बात नहीं पूछती है वो जगह सुनी हो जाएगी, आपकी उंगली के बड़े सुनी होगी इस जगह वो चीज़ नहीं गई, वो जो सुरत है आपकी वो मुख्य चीज़ है, वो नाम है, उसको संतों ने उसका नाम सुरत बता दिया,
अब सूरत का जानने के आपको कैसे मिलेगा नाम? कहता नाम रहे चौथे पद्माही ये ढूंढे त्रिलोकी माही। त्रिलोकी क्या है? आपका शरीर एक, आपका मन दो, आपकी आत्मा, तीन चीज हो गए। अब इस तीन चीजों से आगे फिर निकलोगे आप तो चौथी चीज आती है। चौथी चीज में जाने से आपको नाम मिलेगा। क्या मतलब? पहले शरीर में रहते हुए आप राम 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 करते रहो, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहो, कोई बात ठीक है वो। मन इकट्ठा करने के लिए किसी हद तक जप कहते जोर जोर से बोलने को, और अजपा कहते हैं भाई ठाठ चुपचाप। तो ये नाम नहीं है, ये यत्न है मन को रोकने का, उस चीज को इकट्ठा करने का, बात को समझने के लिए। फिर उसके बाद में ये शरीर से जब आप इधर इसके ले आएंगे तो शरीर को भूल गए, शरीर का ख्याल नहीं रहा इधर। बस जो चीज़ होश था दें, जो चीज़ चेतनता थी वह सब इकट्ठी आपने इधर कर लिए चल गई है। इधर आते ही आपको क्या हो गया? यहाँ पर विचार तरह तरह के आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे विचार, आते जा रहे विचारों से फिर जो एक इष्ट बनाने का मतलब यह कि और इकट्ठी करना। इष्ट बनाया तो वो इष्ट प्रकट हो जाएगा। राम राम करते हो राम का आ गया, कोई गुरु भक्त है तो गुरु आ गया, देवी का भक्त है देवी आ गया, यहाँ पर देवी आ गई, देवी आ गई, आते दर्शाओ। अरे सपने में देखते हो नहीं बात है, सपने की तरह चले जाओगे, शरीर को ख्याल छोड़ दिया सपने में, इधर आ गए ये यहाँ पर इकट्ठे हो गए। इससे फिर जब आप आगे चलोगे मन से आगे, विचार भी खत्म होंगे और शक्ल भी खत्म हो जाएगी। सब शक्ल जो आई है ना गुरु पीर की, वो बाहर से नहीं आती, आपका ही मन बनाता, वो आपका मन बैठ करके वो रूप बना लेता है। जिसके से मेरे रूप क्यों बनाते हैं? मेरी बात सुनते किसी को अच्छी लगती है और वो उसके अंदर मेरा रूप आ जाता है, उनका नहीं आता। जिसका नहीं विश्वास, विश्वास बैठ जाता है कि तो आदमी खास है कोई, तो उनका मेरा रूप आ जाता है। वो रूप बनाने वाले वो इकट्ठा हो गया तो किससे निकले? वो रूप बन गया। रूप से जब ऊपर निकलोगे, कोई सकल सूरत खत्म होगी तो प्रकाश आ जाएगा। ये प्रकाश तीसरी चीज है, शरीर से मन से और फिर आत्मा प्रकाश तीसरी चीज है। आत्मा का जोन बहुत लंबा चौड़ा है, लंबा सफ़ेद रंग का प्रकाश है और उसके अंदर जैसे मछली पानी में चरती आप वैसे उसके अंदर तिरती रही है सूरत। जब आप आत्मा के शरीर को आत्मा को छोड़ के आगे जाओगे तो वहाँ पर एक शब्द आता है। शब्द का मतलब है एक आवाज़ है, एक वॉइस है, इंटरनल वॉइस या राम नाम है, इसके नाम बहुत लगा रखे, वो आएगी आपको और वो जा करके आपको इस जगह पर जाके इधर आएगी। इस जगह आएगी तो वो सब आपका जो सूरत बोलने वाली चीज़ है जो ईश्वरन से ये या उसको सुनेगी। किसको? उस धार को, शब्द को। ये सब जीवन है, शब्द के साथ ताल्लुक रहते हैं। शब्द को सुनता तब भी आप चौथे पद में पहुँचते हो। फिर क्या करेगा वो? आपको ले जा करके और इधर से चले आपको शब्द चोटी पर आ गया। इधर हिंदू चोटी रखते नहीं है, इस चोटी के पास आते आप उसी मिल जाओगे। जैसे बूंद हो तो समुद्र में, किरण हो तो प्रकाश के अंदर, एक अलग अलग तरह का प्रकाश और आपको बेहोशी का। तो पहला प्रकाश तो आत्मा का था और वो दूसरी जो चीज़ अनुभव कर रही हो वो समझाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। वो न तो प्रकाश है न वो पानी है, वो है स्वयं, न तो बताया जा सकता न लिखा जा सकता। अगर लिखा जाता तो मैं पहली किताब में लिख देता सब चीज़, वो लिखने में नहीं आती, बताने में आती। तो मैं बस हमेशा बोलता हूँ साहब कि भाई मैं कहीं नहीं जाता हूँ, देखो कितनी साथ बात हो, वो तुम्हारे के अंदर हर चीज़ बना लेती है, क्यों? मैंने कुछ मुआवजा नहीं देना, मैं डरता हूँ कि हेरा फेरी करेगा तू झूठ बोलेगा ठीक नहीं, और ये तेरे को क्यों दे रहा है? तेरा रूप प्रकट होया तेरे को कुछ देगा तेरे को, और तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरे लिए जहर है इसका। क्यों? कि तू तो जाता नहीं, और वो इसलिए देता कि मैं यार इसका काम कर दिया, इसलिए मैं डरता हूँ इस बात से। किसे साफ बता दूँ भाई बात ये। तो वो जो चौथा पद है, नाम रहे चौथे पद माही ये ढूंढे त्रिलोकी माही, वो जो नाम बता रहे हो जो मन को इकट्ठा करने के लिए, चाहे राम राम करके कर लो, चाहे वाहेगुरु करके कर लो, चाहे अल्लाह अल्लाह कर लो, मन को इकट्ठा करने की बात है। झगड़ा क्या है? जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो नफरत नहीं करोगे आप। किसी ने अल्लाह अल्लाह करके कर लिया, किसी ने वाहेगुरु, और जब ये सन्न होया तो किसी ने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 करके कर लिया, और ये भी नहीं होता उल्टा गिन लिया भाई 100 99 98 97 96 वगैरह, ऐसे नीचे आ जाओ उल्टा उल्टा गिनने में थोड़ा जोर लगेगा, एकाग्रता ज़्यादा बनेगी। इस तरह करके कर लिया, मन इकट्ठा होते ही फोन आपका अंदर बातचीत चाहते हो एम आप क्या जाएगी। तो नाम रहे चौथे पद में, चौथा पद क्या है? सुरत का इधर जा करके और वो नाद सुनना, वो नाद जो है खास चीज़ है, उसको शब्द कहते हैं। नाद सार शब्द के नाम से बताया, शब्द तो इधर भी है, इधर भी है, अलग अलग शब्द तो अलग अलग जगह शब्द हैं। पहले इधर यहाँ पर इधर आते हैं, इस जगह पर घंटे का शब्द है, क्योंकि दुनिया की इच्छा रखता आदमी, दुनिया की इच्छा के लिए इकट्ठा करता है ना जो आरती बिनती, तो उसको टर्न टर्न जो घंटी बचे ना मतलब ये उसकी पहचान है।
और निशान लगाते हैं हिंदू कि तुम इधर ध्यान कर क्या चाहता तेरे को मिल जाएगा, ये सिद्धि का स्थान। इंद्र जाता है ना, कोई दवाई वाई जाता है तो उसको टीका करते हैं, ले इधर कर लिया कर क्या चाहता है तो मिल जाएगा, ये सिद्धि का स्थान है। यह ज्ञान का केंद्र है माथे के बीच में जो होता है, ये विज्ञान यहाँ तक पहुँचा है। और यह ऊपर वाला जो है एक मस्ती का नशे का है, जिसको सुन कहते मासुन भी कह देते, मासुन अच्छा नहीं गिरती है। और फिर उसके ऊपर जब चलोगे सोहम मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, वो क्या प्रकाश है, आत्मपद है वो, आवाज़ है उधर वहाँ की। और फिर और आगे तरीके आगे जाते हो बीना की आवाज़ आती है सतलोक, बीन बजती है ना जैसे बीन बजाते हैं ना सफेद ऐसे ही सही, वो बीन की आवाज़ आती है वहाँ पर, और सफ़ेद रंग का प्रकाश है, और कोई हजारों सूर्य जैसा सूर्य नजर आते हैं वहाँ पर, हजारों सूर्य तो कोई है नहीं, आप ही का ब्रह्मचारी का जो जीवाणु हैं वो इतने होते हैं एक आदमी में, एक दफ़े के डिस्चार्ज में पूरी दुनिया की लेडीज गर्भित हो सकती हैं, इतना इतने जीवाणु हैं वो मनुष्य की शक्ल के। तो वो जो जीवाणु हैं वो एक जीवाणु एक सूर्य जैसा दिखता है, मेरे अनुभव के बिना गलत हो सकता है शायद, क्यों अंदर तो कोई चीज़ तो है नहीं, तो मैं समझता हूँ वो तो ब्रह्मचारी शक्ति है, वो चमकती है आदमी के अंदर। तो नाम रहे चौथे पद माही आप ढूंढे तिलो की माही, इधर ऊपर आ जाते हो तो नाम का पता चल जाएगा, उसको अनुभव कर लोगे, बताया नहीं जा सकता, इसको बताया जा नहीं सकता, इस सच्चाई को बताया नहीं जा सकता कि ऐसी होती है। किसी शेख फरीद को पूछा था कि शेख साहब क्या कर रहे हो, रमदा नाम ले रहे हो, बोले किस कैसा है, बोले बड़ा बड़ा मीठा है, बोले दशरथ श्री किस तरह का है, उसने क्या शक्कर खांड नवात गुड़ मक्खियाँ मज्जा दूध सब वस्तु मिठिया रब ने पूजे तुद अरे, इसने कह दिया भाई राम के नाम सब मिठी सब हैं, पर राम के नाम बराबर कोई चीज़ मिठास नहीं, इसका मतलब वो बताया नहीं जा सकता, वो अनुभव किया जा सकता है। आप समझे कि नहीं, ये जितनी मैंने बातें की है अनुभव की बात है, ये बताया पहले स्थान पर अनुभव कर लो, दूसरे जिस चीज का अनुभव कर लो अंदर आपके, ये नहीं कि मैं कई कितना कथाकार नहीं हूँ, मैं तो योगी हूँ, मैं तो सहज योगी, योग का मतलब मिलाप, किससे वो जो राम नाम कहते हैं उसके साथ मिलाप है, सारे दिन चलते फिरते करते कुछ बन गया, कुछ नहीं बन गया, होश आ गया, क्या आ गया बेटा सच्ची बात बोलना, हेरा फेरी की बात मत बोलना, और दूसरा मुआवजे के लिए गुल्ला ठोक रखा है, किसान एक खा जाएगा तो याद रख खबरदार रहना, तो ये बताते भैया मैं करता तो कुछ नहीं हूँ, फिर कोई देता है दिल नहीं चल रहा, अच्छा ठीक है, पर वो मेरे लिए नहीं है, वो मम्मी का काम में दूंगा, मेरे लिए वो बात नहीं है, मैं प्रयोग नहीं करूँगा। बात समझ आई ना आपको, तो अभी आपका प्रश्न समझ गया बात, चौथे पद की अवस्था वो नाम, नाम क्या नाम आपको कद मिले माने जाएगा, आपको कोई चिंता फिक्र डर भय नहीं रहा तो आपको नाम मिल गया। हेलो सुन लो, अगर आप डरते हैं या खुशी की चीज़ में खुशी होते हो हंसते हो बिल्कुल राजी है ये चीज़ होगी, नाम नहीं मिला, नाम मिल गया तो आप सहज अवस्था हो गया आपकी, आप बिल्कुल से नहीं तो चिंता है नहीं फिक्र है नहीं डर नहीं भय नहीं निर्भय, ये निर्भय बढ़ाता है। ये गीता बताती है इसका 18 नाम बताती है, तो गीता तो पाठ है, गीता लोग सुनते सारे के सारे चले गए, एक कोई नजदीक हवा ही नहीं लगी नाम की, रामायण सारे दिन पढ़ते सब ध्यान हो गए, सारे दुखी देखता हूँ मैं, गीता पढ़ने वाले रामायण पढ़ने वाले ग्रंथ साहब सारे दिन सिखों कितना अखंड पाठ फायदा होता है उसका, उनके विश्वास के मुताबिक फायदा होता है, मैंने एक अखंड पाठ रखा ये हो गया, ये नहीं नादा नहीं है फायदा है, पर वो इतना नहीं है मुक्त नहीं होगी, उसके लिए मुक्ति के लिए आपको वो नाम लेना पड़ेगा, और वो नाम आपके अंदर है। ये बोला यही है, ये बोले इसको जानना है कि क्या है, एक चेतनता है होश है, इसको सुरत कहा गया नाम, तो आपके अंदर है सबके अंदर नाम, बगैर नाम के है नहीं, नाम नहीं रहेगा तो क्या होगा, राम नाम सत्तर सत्य बोले गत है, चलो जी खत्म, नाम है जब तक आप हो गए आई समझ हो रहा कोई है? हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, बैठो कहते हुए अनुभव तो जब होगा, देखो आदमी कराने की चाहिए गुरु चाहूँ तो नहीं करा सकते, कैसे कह नानक दुर्क्रम लिखे जो नाव हर के लागे, पहले से लेके आया मिस लिए उन्हीं को होगा, और होगा तभी जब उनके भाग्य में लेके आए हैं तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ रास्ता मिल जाए संस्कार मिल जाएंगे और आगे तरी प्राप्त हो जाएगा, कोई गुरु कुछ नहीं करा सकता, मैं जो बैठे जिंदा यार जगह जगह मेरा रूप जाता है लोगों का काम करता है, ये कर दिया मेरा ये कर दिया यार आपकी कृपा से ये यार कुछ नई नई बातें, और मेरे बाप को पता नहीं तो मैं कैसे मान लूँ कि कुछ गुरु करा सकते हैं, मैं मेरे गाँव वालों सबने करा देता हूँ, मेरे घर वालों को मैं मेरे घर में करवाता हूँ, मेरे परिवार के अंदर पढ़े लिखे हैं सब, दो दो तीन तीन एमए कर रखे हैं, लेडीज जितनी सब पढ़ी लिखी है, एक लेडी है जो अनपढ़ है पढ़ी लिखो नहीं, एक लड़का है, और वह सबके समय मैं ये बात को तो उनका खास चल जाती है से कभी पढ़ाई बात करो ना कोई खुद जाते भागना चाहते हैं, तो मेरे में सत्य होती मैं करा देता, लोग तो कहते हैं कैप्टन साहब ये हो गया मेरा ये हो गया ये हो गया, किसी गुरु में कुछ नहीं हो सकती, इसका मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, बगैर गुरु का, गुरु का मतलब ज्ञान है, ज्ञान के बगैर कुछ है ही नहीं आदमी, गुरु आदमी का नाम नहीं है,
वो जो आदमी का ज्ञान आदमी को दिया जाता है और वो देने का तरीका कि जिसको कुछ दे सन्यासियों का काम है, जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, न इज्जत चाहिए, न आबरू चाहिए, न कोई सेवा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा आदमी ज्ञान दे सकता आपको, वो बता सकते भी मिल रहा है जो कुछ नहीं चाहता वो, पर है क्या वो इच्छा करेगा नहीं इस बात की कि आपको हो तो आपका भाग्य तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं, वो ऐसी इच्छा नहीं करेगा, तू ये हो जाए ये हो जाए। मैं 20 साल से इसी चक्कर में लगा हुआ हूँ कि वो सत्य क्या है, बड़े अच्छे से महापुरुषों के साथ भी रहा, आज टीवी पे जितने महापुरुष आए हैं शायद ही किसी महापुरुष के पास ना गया, इस हाल में भी प्रोग्राम हमने करवाया है, लुधियाना में भी 16 प्रोग्राम हमने 4 साल कराए, कि वो दावा करते हैं कि जो चीज मेरे पास है वो प्राण में किसी की। बैठो, बहुत अच्छा बोला, उस चीज को मैं देखना चाहता हूँ कि आप बैठिए बैठिए श्री आप बैठिए, ऐसे अब जो दावा करते हैं उनके लिए मेरी बात को मानेगा कौन यार, मैं ऑर्डरी आदमी बैठा हूँ, देखो मैं कहूँगा कौन मानेगा, जो बड़े बड़े संत हैं उनके लोग चेले हों तो उनकी बात मानते हैं, जिनके पास पहरेदार चौकीदार बैठ जा मेरे से सुनो, दादू है कबीर के टाइम के, दादू दावा मत कर बिन दावे दिन काट, बोतक यहाँ पर चले गए बोतक बाद बोतक सौदा कर गए पंसारी की हाट, तो जितने संत महात्मा है दावा करने वाला दादू कहते हैं, मैं नहीं कहता दादू वही बड़े महात्मा, दादू दावा मत कर बिन दावे दिन काट, बोतक सौदा कर गए इस पंसारी की आट, भाई दावा करता है वो ये कहे दादू साहब ये कहे यार यही मैं कहता हूँ, वो महात्मा सब हो गए धन है सब के सब, मेरे ख्याल के मुताबिक मेरे अनुभव के मुताबिक किसी महात्मा में कोई शक्ति नहीं, शक्ति है वो सच्चाई बता दे आपको और मार्गदर्शन कर दे और आपका भयम भ्रम दूर कर दे, तो मेरे भ्रम क्या दूर करता हूँ, मेरी 16 पुस्तक हैं 4 दफ़ा पढ़ लेना, अगर कोई भ्रम हो जाता मेरे पास बात कर लेना, अरे इतनी कहता हूँ, तो अगर 4 बार पढ़ देंगे आप पर पढ़ेंगे तब जब आपके शुभ कर्म नहीं पढ़ेंगे नहीं, सो का नाम एक है कह नानक दुर्कर्म लिखे तो नाम हर के लागे, ऐसे कोई कर नहीं सकता ऐसे करने से, मुझसे आदमी के बस की बात है, आदमी ठीक है पूर्ण है अपनी जगह पर वो मालिक की तो लीला हो रही है, तुम्हारी गति में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी, उसी गति में कौन जान सकता है, जितना जितना अनुभव जितनी बात करते सब महात्मा सब धन, जितना अनुभव जैसे है, एक आदमी दिल्ली से कहा पर भी दिल्ली से आकर कोई काम नहीं, पर गाँव तो बहुत है अलग अलग, तो मेरा तो अनुभव बता रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल के मुताबिक तो मैं जीवता जागता नहीं जाता हूँ, क्या काम नहीं करता हूँ, वो मेरे से सब काम कराते हैं, जिनका विश्वास है कहता है वो अब खुली आंखों से मैंने देखा आप वो रूप बना के आ गया, आपने ये कर दिया और वो कर दिया और वो कर दिया, वो कहते हैं मैं साधना में देखा आपने ये कहा मेरे को आपने आज्ञा दी गई जगह छोड़ देना, जगह ये होगी मैं छोड़ दिया मेरा काम बन गया, उधर के आदमी मर गए और मेरे बाप को पता नहीं, तो कौन है उसके अंदर ही शक्ति है, आपके अंदर ही शक्ति है बाबू जी, अरे शक्ति को जानते नहीं ये दुख है, इस अपनी शक्ति को मनुष्य को पता नहीं कि मैं क्या हूँ, ये ईश्वर अंश है, मैंने पहले बैठ से कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि सो माया बस बंदेव गुसाई आप ही बंदे मरकट की दाई, तो इस आदमी को अज्ञान है बाबू जी, अज्ञान का दुख है, अगर ज्ञान गुरु है आदमी कोई गुरु नहीं है, ज्ञान गुरु है और ज्ञान से काम होगा, और जो कुछ होता दावा दुआ करना शायद हो सकता भाई, क्यों दुनिया बहुत बड़ी है शायद कोई महात्मा हो सकती, मैं तो ये कहता हूँ भाई करके दिखा दी इधर, मैं तो कोई महात्मा जाओगे ना आप, मैं कहते बाबू जी महाराज जी मैं आपको दंडवत करता हूँ करके दिखा दो कुछ बताओ तमाशा करो, तो तमाशा भी हो जाता कैसे, कपूरथला के महाराजा ये कथा बताते हैं, कपूरथला का महाराजा बैठा था स्टेट थी ना कपूरथला, तो उस जगह पर एक चला गया कोई मिसम करते हैं मिसम ये जो विज्ञ तांत्रिक कर वो होता है, तो वहाँ पर वो बैठे बैठे कर सारा दिन अच्छा महाराजा आप बोलो इसको क्या बना दूँ मैं, कहीं को कुत्ता बना दो तो वो कुछ ऐसी बात करता हु कुत्ते इस तरह कर, कहीं को गधा बना दो हो कर लेते, राजा का मन था त्रिया त्रितम पुरुष से भागो देवो ने जाना क्यों, तो मनुष्य तो मनुष्य की अवस्था थी, तो वो तो मनुष्य जादूगर था और वो मनपस करता था जादू मारता कराता था, एक अंग्रेज बैठा था वहीं पर, वो बोले आप ऐसे करो मेरे को कराओ राजा साहब मेरे को कुछ बनवा दो इसे, वेल पावर दिए बैठिया, उसने कोशिश कर ली कुछ नहीं चली जादूगरी, वो बात आश्चर्य करता ही नहीं किसी बात, वो करता रहा कुछ नहीं चली, पसीना आ गया परेशान हो गया, आखिर फिर उसने एक युक्ति काट के उन्होंने कहा ऐसे करो आप कोई चीज़ की डिमांड करो मेरे से किसी चीज़ की, तो उस अंग्रेज ने उस समय का जो आम समय पर ही होते थे हर चीज़, आजकल तो सीजन का होता था, उस सीजन में वो चीज़ होती नहीं थी, कोई आम कोई ऐसा फ्रूट था, उसने कहा अच्छा वो चीज़ वो आम ला दो लो, ऐसे उस अंग्रेज हाथ मुझे हैरान हो यार फट वो उसका मंत्र चल गया, यानी अपनी वेल छोड़ देता है आदमी उसको गिर जाता है, और जब आपको वेल कुछ नहीं कर सकता
आप प्रति योगा को ऐसा नहीं करें, असर उसी पर होगा जिसका मन नर्म है, इधर की बात लेता है इधर की बात है उस पर, जिसका मन पक्का बन गया हुआ है और बेल बनी हुई है निश्चात बुद्धि है उस पर असर कम होता है, जादू टूणा का असर भी नहीं होता। तो वो कर सकते होंगे कोई, मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं। और बोलिए कोई होता, और बोलिए एक दो। बात का कोई लंबा कोई नहीं, जितनी मैंने बताई अच्छी है तो आप ठीक से कृपा करना, और कोई घटिया बात बोलती हूँ मुझे दुर्सी समझ देना, माफ़ कर देना, पागल समझिए अनपढ़ समझिए, समझे कि नहीं आप। और अब बुक है आप ले जाओ, जितना करना चाहते हो बुक ले जाना, और कोई बात पूछना चाहते हो मुझे कभी टेलीफोन पर पूछ लेना, और कोई सिद्धि मेरे में है नहीं, देखो भाई साफ बात है सिद्धि तो उसमें हो रही, तो उसको आश्चर्य करता हो, मुझे तो सिद्धि किसकी है, मैं समझता हूँ तो कुछ है ही नहीं आदमी को, तो खेल पा रहे, तो वो एक शक्ति है वो उधर नीचे उतरी हुई है, खेल खेल रही है यहाँ पर मनुष्य के अंदर, और जिसे योग्यता के अनुसार खेल खेला हो रहा है, वो एक ही शक्ति है जो वहाँ पर है, वो शक्ति सूर्य एक है ऊपर, और उसकी किरणें यहाँ पर देख सब जगह काम क्रिएशन कर रही है, इधर भी करिए अमेरिका में करिए अफ्रीका में करिए यूके में सब जगह कर रही है, सूर्य एक है ना, वो इसी तरह वो शक्ति है एक, और उसकी जो किरणें हैं ये आप लोग बैठे हैं सब, और वो गुण आप में जो सूर्य में गुण है वो आपके अंदर है, जो मैंने विज्ञान की तरीके की बात बता रहा हूँ आपको, वो गुण आपके अंदर है मेरे समझ के मुताबिक। क्यों कि मैं जब जाता हूँ तो मेरे जैसे आदमी पूरे देश के मार जहाँ जहाँ जाता हूँ सब जगह पुस्तक चल रही हैं, और जो जिसको लिखना ही नहीं आता आदि हिंदी कच्ची लिखता है और समरी बनाने वाली भाई बैठी है, क्योंकि विद्वान जानती है इसके पहले एक बात को चार बार कहता हूँ एक जगह लिख देती है, ये सब कुछ कर देती है ये सब का। तो मेरे जैसे आदमी ऐसा काम कर रहा है, कैसे कराया जा रहा है मेरे से, मेरे से कराया जा सकता तो अब वो परमात्मा की क्या चीज़ है, अब उसकी लीला कौन जाने, आदमी अपने आप की लीला जानता अपने बारे में जान सकता है। तो मेरा अनुभव है ये, जहाँ जाता हूँ वो सब का सब लोग लेते हैं पुस्तकें चलते हैं पढ़ते हैं, और करोड़ों की तरह से मैं कर रहा हूँ, ये हमारे काम के गृहस्थियों के काम की चीज़ है वो, कि भाई अपना सुधार कर लो, अपने सुधार में सबका सुधार है, क्या दुनिया का हम ठेकेदार नहीं बने, अपने घर में शांति है सब शांति है, और घर ने करे थोड़ी इकाई तरीके आप कर लो, पत्नी ने मानो कोई बात नहीं, पत्नी का पत्नी पाओगी, बेटे का बेटा पाएगा, बाप का बाप पाएगा, आप अपने लेवल पर अपना ठीक करा लो, छोटा सूत्र अपने आपको खुद भला तो दुनिया भली, अपने आपको ठीक कर लो, आप बेटा होता अच्छा बेटा बन जाओ ये ड्रामे में, बाप होता अच्छा बाप बन जाओ, पति होता अच्छा पति बन जाओ, भाई होता अच्छा भाई बन जाओ, जो जिसका लगते हो जैसे वो अच्छा बन जाओ, आप बन जाओ, हलो दुनिया बन गया। एक रोज मुझे सीडी बन रही थी मेरी वेबसाइट की गुड़गांव के अंदर, तो एक बैंक का कोई मैनेजर साहब था, बोला कैप्टन साहब वो प्रलय कब आएगी, मगो जी जिससे तुम मर जाओगे उस दिन प्रलय हो जाएगी, गलत निकी जी है छोटा सूत्र है भाई, बोले कब आएगी प्रलय, वो दुनिया की छोड़ो वो दुनिया का काम तो दुनिया वाला था, तो आपने मेरे को प्रलय पूछे, आप जिससे नहीं रहोगे उस दिन प्रलय हो जाएगी, आई बात समझो आपको, तो छोटा सूत्र मेरे को छोटी बात समझ में आ गई, इस बात को इतनी बढ़ाने के बजाय वो टू द पॉइंट बता देता हूँ, क्यों मैं गांव का आदमी हूँ, मैंने ज़्यादा बातें आती नहीं, विशेष लगाने आते नहीं, और कुछ आती नहीं, अनुभव कह दिया, क्यों मैं नेट हूँ भी, मैं उस नाव के अंदर बैठा बात कर रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ छुरी है कहीं नीचे है गल, हमेशा से मना थी ये बात गुप्त रखी गई, और इसमें फायदा था, उस समय फायदा था गुप्त रखी गई, अब जमाना आज़ाद भारत हो रहा है, आदमी की बुद्धि बहुत तेज़ है, आप मेरे सब विद्वान आदमी हो, आप विद्वान बैठे हैं, मैं आपको ईश्वर का रूप मान रहा हूँ इधर से, और वो विद्वान है आप, लेकिन बात ये है कि मेरे भाग्य में आ गई कोई पूर्वजन्म का संस्कार होगा वो आ गया, इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो अभी आप बुकें ले लीजिए, और जो खास बात है तो और कोई सदन बोलिए, अभी आप तो सब जानते हैं और नज़दीक हैं और जानते कोशिश करते रहिए, हाँ बोलिए और कोई है, बस हो गया बेटियाँ, हाँ गुरु है क्या, मैं तो आप ये बताओ गुरु है क्या, ये बताओ पहले किसको गुरु कह रहे हो आप, परम को तो परब्रह्म बोलते हैं, परब्रह्म तो प्रकाश को कहते हैं महाराज जी, हम तो शास्त्रों के हिसाब से नहीं, हम तो गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर उसी पद, ये मान्यता है, ये एक बात करा बुरा नहीं मानना, आप इस बात को पढ़े हो विद्वान हो समझो, अरे गुरु का नाम क्या है, तीन चीज गुरु, तीन ज्ञान जो है ना, मेरी बात ज्ञान गुरु को बताए, मानते हैं गुरु ब्रह्मा है पैदा करता, गुरु विष्णु है वो पालन करता, गुरु महेश है संहार करता, ये बात है परिभाषा है, मतलब तो गुरु नाम है क्या, कहो ज्ञान को समझ को विवेक को अनुभव का है, गुरु नाम समझ विवेक अनुभव इसका है, ज्ञान का नाम गुरु है महाराज, किसी आदमी का नाम नहीं, पर वो आदमी को ज्ञान आदमी से मिलता है, एक ज्ञान है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान अलग है, दुनिया का ज्ञान अलग है, अंदाजा नहीं कितना बड़े सब्जेक्ट है, और जो तो अध्यात्म की बात कर रहे हैं हम, आत्मज्ञान की,
ज्ञान जितने कोई अंदाजा नहीं ज्ञान का, ज्ञान गुरु है, टेक्नोलॉजी का है, मैकेनिज्म का है, और चीज़ों का ज्ञान का, ज्ञान का ना गुरु है। आप बात समझे नहीं बात, ये टेक्निक शब्दों में कुछ मारे गुरुआ ने ऐसे उड़ा दिए गए उन भाषा के अंदर उड़ दिए। तो ज्ञान गुरु है बाबू जी, भागते आप मेरे, मैं बहुत दफे बोल दिया, पता नहीं आपको समझ नहीं आई, पता नहीं कुछ जो बात फिर ही निकलती नहीं, बुरा मत मानना, ज्ञान का ना गुरु बाबू जी, जब किसी तरह से ज्ञान गुरु है। एक आदमी चमता कि सांप आ रहा, तो उसको ये ज्ञान है कि सांप काट देता है और जहर हो जाता है तब वो भाग जाएगा, उसको ये ज्ञान नहीं है तो वो तो बचा होगा, फटाफट फट कर लेगा उसको। ज्ञान का नाम गुरु है, उसको सेंस कर दिए गए ना कि भाई सांप काट, सब सांप धरीदे नहीं होते, लेकिन ये बता दिया सांप का, सांप काटता मर जाता आदमी, तो सांप आते बाजी कोशिश करेगा, ज्ञान है हमको। तो क्या वो परमात्मा आता है? मैं कहता हूँ वो परमात्मा जो कुल मालिक है वो नहीं आता।